दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 7:30। अभी जस्ट नोटी हूँ और उठते ही सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ वो करती हूँ। मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, तो निहार में लेती हूँ मैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या ड्रिंक लेती हूँ मॉर्निंग में। तो अब ये देखिए, मेरे मुझे पिंपल भी हो गया है, ये देखिए। ये सब बारिश का नतीजा है जो मेरे मुँह में पिंपल्स हो गए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं मॉर्निंग ड्रिंक क्या लेती हूँ। तो नाइट में मैं ये बादाम भिगा के रख लेती हूँ और ये किशमिश भी भिगा लेती हूँ 20 से 25। और इसका पानी बहुत ही हेल्दी होता है। जिनको ब्लड की कमी है या जिनको कुछ भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे लीजिए। ये आपकी लीवर को भी काफ़ी हेल्दी रखता है और आपकी सारी जो अंदर की बीमारियाँ होती हैं उन्हें मोस्टली ख़त्म करता है। तो इसे लेना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसे लीजिए। और जो किशमिश है इसे फेंकिए मत, इसे भी खाइए, बहुत ही हेल्दी होते हैं। और मैं इसका जो ड्रिंक है वो हर मॉर्निंग लेती हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, तो उसे लेना चाहिए। और मैं प्रेफर करूँगी कि हर कोई इसे पिए। तो मैं होती हूँ फ्रेश और करती हूँ योगा, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे और शेयर करूँगी अपना ब्रेकफास्ट कि आज मैं संडे में स्पेशली आज क्या ट्राई कर रही हूँ। तो मैं हो गई हूँ फ्रेश और अब करते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट और किचन को क्लीन करने से पहले। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आज मैं दाल के पराठे, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो पहले फटाफट से किचन वॉश करिए, सबसे पहले किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ये मैंने ये चने भिगा लिए थे 2 घंटे पहले, तो आप इसे ओवरनाइट भी भिगा के रख सकते हो, बट मैंने इसे मॉर्निंग में ही भिगाए हैं 2 घंटे पहले। और किचन की हालत बहुत ही ख़राब है तो इसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आज क्लीनिंग करती हूँ, संडे को ही मोस्टली क्लीनिंग होती है। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने इसे काफ़ी स्पीड में कर दिया है, तो आप इस स्पीड में ही वीडियो को देखिए, वरना ये बहुत लंबा खींच रहा था। तो यहाँ मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है, पूरे सारे डब्बे वगैरह अच्छे से लगा दिए हैं और यहाँ पे पूरा मैं ये पूरा सफाई कर रही हूँ ताकि जो गंदगी है वो सारी हट जाए। और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं सफाई करने लग जाती हूँ क्योंकि क्लीननेस मुझे पसंद है। और यहाँ मैं धो रही हूँ बर्तन, मैं जो मॉर्निंग की ड्रिंक ली थी और इनने भी जो ड्रिंक लेते हैं हम मॉर्निंग में दोनों ड्रिंक लेते हैं। तो ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है पूरे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए सिंक भी साफ़ है, एवरीथिंग इज़ क्लियर। और ये है चने को मैं डाल रही हूँ उबालने के लिए, तो हमें कम से कम 15 मिनट्स इसे उबालना है। तो ये मैंने इसे उबाल लिया है 15 मिनट्स तक, और इसे चेक कर लीजिएगा उबालने के बाद कि ये गला है कि नहीं, वरना ये कच्चा रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसको अभी छान लिया है, ड्रेन करने के बाद मैं इसको अब ग्राइंडर में डाल रही हूँ। ग्राइंडर में डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और एक हरी मिर्ची, आप दो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा मिर्ची खाते हैं ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो फिर ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से, देखिए बिल्कुल भी आप इसे मत ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन दर रखिए वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने दर रखा है तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी इसमें डालेंगे अब हम और भी स्पाइसेस डालेंगे। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, अब डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची, उसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी आपको आप पे डिपेंड करता है आपको डालना है कि डालना, वरना आप डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कटी हुई मिर्ची और धनिया डाल दिया कटा हुआ, तो इसे डाल के अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा मिक्सअप करने के बाद। तो अब हम बनाते हैं इसके पराठे गर्मा गर्म। तो चलिए मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसे बनते हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और ये काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, आपको पता है चना कितना ज़्यादा अच्छा होता है आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए। और ये आपके जो ब्लड की जो कमी है उसको भी दूर करता है क्योंकि इसमें आयरन होता है, तो इसे खाना चाहिए। तो ये काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी ये पराठा बनता कैसे है। तो ये बन बेल रही हूँ मैं पराठा, और मोस्टली मैं नीचे ही पराठा बेलती हूँ क्योंकि मुझे चकले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे बेलता ही नहीं है। तो मैं पहले से ही स्टार्टिंग से ही ऐसे बेल रही हूँ, अपने घर में भी ऐसे ही बेलती थी तो मेरी आदत ऐसी ही है। तो ये देखिए पराठा वैसे बन डाल दिया है मैंने तवे पर, अब मैं इसमें लगा लूँगी थोड़ा सा ऑयल, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने बना लिया पराठा, तो मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ और थोड़ा सा क्रिस्पी बना रही हूँ, टेस्ट अच्छा है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, मन कर रहा था कि फटाफट से खा लूँ टेस्ट करके देखूँ कैसा लग रहा है। तो ये देखिए मैंने इसको पलट के और ऑयल लगा लिया है और अच्छे से इसे पका लिया है, और हमारा पराठा हो गया है बनके।
बिल्कुल रेडी। और मैंने और भी पराठे बनाए थे, तो ये पराठे मैंने बना दिए सारे के सारे और हम खा रहे हैं। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बना हुआ है। तो मैंने इसे तोड़ा है और अब दिखाती हूँ आपको, ये देखिए तोड़ लिया है। अंदर देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग हो रखी है, बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल फुलफुला सा हो रखा है, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है, बहुत ही टेस्टी बना था ये। और ये इनकी चाय है, तो इनको देते हैं अब चाय। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। होपफुली आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।